सरकारी दावों के बावजूद भी हिरनपुर में आलू प्याज की कालाबाजारी बंद नहीं हो रही है। जो आलू दो तीन दिन पहले तक 600 से 6.5 रुपए प्रति बोरा बिक रहा था, आज वही आलू प्याज कालाबाजारियों द्वारा 1000 रुपए प्रति बोरा बेचा जा रहा है और खुदरा दुकानदार उसे 25 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में भी कालाबाजारी करने वाले अपने हरकतों से बाज आते नहीं दिख रहे हैं। आमजन भी अफवाहों का शिकार होकर बेहिसाब 900 रुपया बोरा का परसों का डालो, आज 900 रुपया बोल रहा है। कौन बोल रहा है यार? अभी आ जाओ, दुकानों की जांच करेंगे, अगर वैसी बात होगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें भी प्राप्त हुई है 1000 रुपया शिकायत प्राप्त हुई है, हम लोग जाँच करेंगे, अभी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। आलू प्याज की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि जो आलू हम 15-16 रुपए किलो खरीदते थे, वो आज 20 से 25 रुपए के दर से खरीदना पड़ रहा है। लोगों को आलू की बोरी अपने वाहनों पर लाद कर ले जाते हुए सरेआम देखा जा सकता है। आपको बता दें कि संवाददाता द्वारा जब इसकी पड़ताल की गई तो ग्राहकों ने बताया कि दुकानदार मनमानी ढंग से सब्जी के गोदामों में बढ़ोतरी कर पैसे वसूल रही है। ग्राहकों ने बताया कि जो आलू पहले 15 से 16 रुपए किलो थी, वही आलू आज 20 से 25 रुपए में खरीदा जा रहा है। सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाए जाने के बाद काम करने नहीं जा पा रहे हैं, कमाई का स्रोत खत्म हो गया है। जब कमाई नहीं होगी तो खाने पीने का सामान कैसे खरीदेंगे? इसके बावजूद भी सब्जी दुकान वाले ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। इसको देखते हुए सब्जी बाजार में काफी भीड़ है और लोग एक दूसरे से दूरी का पालन करते भी नजर नहीं आए। इस पर प्रशासन को ग्रामीण लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद हिरनपुर के दोनों आलू थोक विक्रेताओं को थाना बुलाकर कालाबाजारी बंद करने का निर्देश देकर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। क्या कहना है बीडीओ का? जब हिरनपुर बीडीओ उमेश कुमार स्वासी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बढ़ती दामों की शिकायत मिली है, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और पड़ताल सही निकली तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ से बिकी शर्मा की रिपोर्ट।